बूंदी में आपात स्थिति से निपटने के लिए रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन और रेलवे की कर्मचारियों ने रेल दुर्घटना की मॉक ड्रिल में भाग लिया। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि मॉक ड्रिल से व्यवस्थाओं को जांचने का मौका मिलता है। देश में आपदा प्रबंधन के लिए जो है और भी कई स्पेशलाइज एजेंसीज हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सिविल डिफेंस है, अन्य लोग भी जो इसमें पिचिंग करते हैं, उसमें स्काउट्स एंड गाइड्स होते हैं, तमाम तरह के एजेंसीज जो हैं इन्वॉल्व रहती हैं, मेडिकल टीम्स रहती हैं, फायर फाइटिंग टीम्स रहती हैं, तो हम इसको समय समय पर चेक करते रहते हैं। पैसेंजर ट्रेन का एक्सीडेंट कराया गया था जो है, जिससे सारे डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन कैसा है वो हो पता चलता है, और केवल कोऑर्डिनेशन ही नहीं, साथ में जो है एंड यूजर्स तक जो है जो इंजर्ड है वो कहाँ पूरे हॉस्पिटल में जाके एडमिट कराए गए, पूरा सारा एक्सरसाइज की जाती है, जिससे कि जो है कभी रियल में भगवान ना करे कभी हो, अगर होता है तो जो है उसको कैसे डील किया जाए। एनडीएमए, एनडीआरएफ और रेलवे की ओर से आज सूचना मिली कि 6:30 पर जो है बूंदी जंक्शन पर ट्रेन डिरेल हो गई है, तो उसमें बहुत सारे पैसेंजर फंसे हुए हैं, तो तुरंत जो है सभी एजेंसियों ने रेस्क्यू किया, टाइमली सभी एजेंसियाँ पहुंची, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट यूज किए गए और जो है 15 इंजर्ड पर्सन और 4 सीरियस पर्सन को जो है जो पैसेंजर थे उनको फर्स्ट एड करके जो है आगे भेज दिया गया है उपचार के लिए।